कर्नाटक के शिमोगा से खबर, जहां पर एक संदिग्ध धमाका हुआ। धमाके के बाद 8 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कई घरों के शीशे टूट गए, दीवारों के बीच दरार तक देखने को मिली। माइनिंग एरिया के अंदर बताया जा रहा है कि ये जोरदार धमाका हुआ था। बम डिस्पोजल दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस धमाके की जाँच में अब जुट गई है। भूकंप, विस्फोट या फिर कुछ और, तस्वीरें कर्नाटक के शिमोगा ग्रामीण थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार रात अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग आनन फानन में घर से बाहर निकल गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवाज इतनी तेज थी कि कुछ घरों के शीशे तक टूट गए। शिमोगा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शिमोगा शहर से 5-6 किलोमीटर दूर इस विस्फोट के चलते कुछ लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन पक्के तौर पर घटना को लेकर प्रशासन अभी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ದು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಸ್ ಪಿ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಡನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಕಾರ್ಡನ್ ಹಾಕಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. यह घटना रात 10:15 बजे की है। आपको बता दें कि शिमोगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा का गृह जिला है। शुरू में पुलिस विभाग को सूचित किया गया था कि शिमोगा जिले और चिकमंगलूर जिले के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट पर या USGS साइट पर कर्नाटक में हाल ही में भूकंप की कोई रिपोर्ट नहीं है। उधर शिमोगा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनुराधा ने इसे विस्फोट की घटना बताया है, तो कर्नाटक के ADGP प्रताप रेड्डी के मुताबिक अब तक विस्फोट की जगह पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बता दें, कुछ महीने पहले ही इसी तरह की आवाज़ ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को हिला दिया था। बाद में यह पता चला कि आवाज़ भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू जेट ने परीक्षण के दौरान सोनिक बूम बैरियर को तोड़ दिया था। टीम न्यूज़ नेशन।